फ्रेंड्स, अगर हम फेस्टिवल के साथ किसी चीज़ को जोड़ देते हैं ना, तो वो उसके लिए फिर उसके लिए हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई लिस्ट नहीं बनानी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है। जैसे दीपावली ले लिए, तो दीपावली का नाम मतलब लेते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है सफाई करने का। और मैं बता दूँ तो जो चीज़ें हम मतलब नहीं करते हैं, डीप क्लीनिंग में भी नहीं सफाई करते हैं, वो चीज़ें हम दीपावली में करते हैं। और जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जैसे कलर कराना है घर का या मेंटेनेंस कुछ कराना है, तो उसके लिए हम यही सोचते हैं कि चलो दीपावली में करा लेंगे, क्योंकि दीपावली में दिमाग में आता है कि घर तो पूरा सामान निकालना है, सफाई करनी है, तो पूरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी, अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो मैं भी आज ये सफाई करने वाली हूँ, तो देख लीजिए जैसे कि ये है, तो मैं आज पूरे फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इसकी घिसाई भी मतलब घिस के पूरा साफ़ करूँगी किचन का, और ये जो बीच का पैसेज है पूरा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसिन धुला, तो बेसिन में मैंने हार्पिक लगा दिया था, तो एक घंटे डेढ़ घंटे मतलब एक घंटे लगा के आप छोड़ देंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और नहीं तो आप रात में ही लगा के चार मतलब जैसे टैप के क्या होता है साइड साइड बहुत पीला पीला हो जाता है, तो अगर वहाँ पे आप हार्पिक लगा के रखेंगे ना और उसके बाद उसको स्क्रब से रगड़ के साफ़ कर देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज किचन की देख सकते हैं ये टाइल्स की पूरी घिसाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्क्रब से ही और साबुन से खूब मतलब अच्छे से घिस दिया। तो ये मैं बता दूँ तो ये मैं भी नहीं करती हूँ, डीप क्लीनिंग में भी ये नहीं करती हूँ, और बट दीपावली थी तो मेरे दिमाग में आए, तो ये देख सकते हैं थोड़े से ब्लैक ब्लैक जैसा दिख रहा है ना, किचन वगैरह में हो जाता है मतलब रूम में भी हो जाता है ऐसा, तो ये मैं सोची कि इसको भी तो मैंने साबुन से थोड़ा सा अच्छे से स्क्रब से घिसा ना, तो बिल्कुल साफ़ हो गया वाइट वाइट। तो वही चीज़ बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हम डीप क्लीनिंग में भी नहीं करते हैं, बट दीपावली में ये काम जरूर मतलब हो जाता है। दीपावली आते ही ये होता है कि मतलब ये सब काम भी करने हैं हमें। और यहाँ पे मैंने स्क्रब से घिस दिया था, उसके बाद अंश जो है गीले कपड़े से पोंछ रहे थे, और क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाएगा धुल नहीं सकते, तो इसलिए उसको दो तीन बार पानी से ही हमें पोंछना पड़ रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा टैप कितना साफ़ हो गया, जो साइड साइड येलो येलो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और ये मैं नेपथॉल बॉल्स यहाँ पे डाल के रखती हूँ, तो ये गोली से क्या होता है ना कि स्मेल भी अच्छी आती है और कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं बेसिन में। और यहाँ टैप वगैरह देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया, टाइल्स वगैरह मैंने सब अच्छे से रब करके धुल दिया था। एक बार तो मेहनत लगी थोड़ा, बट सफाई होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैंने ये गद्दे और जो ये सोफे के पिलो है ना, तो उसका कवर मैंने निकाला था, तो वो भी मैंने सारा धूप में डाल दिया था। और मैं बता दूँ मेरी बालकनी में धूप बहुत ही अच्छी आती है, तो मैं नहा के फिर उसके बाद मैं ये सब काम करने के बाद नहा के आई, और मैं सुबह नहाई नहीं थी क्योंकि काम करना था, तो इसमें वैसे ही गीले हो जाते। और मैं नहा के आई, फिर मैं आ गई तुरंत किचन में, और किचन में मैंने चाय बनाई, चाय पी। इसके बाद आज हम बनाने वाले हैं ये चने की दाल की कढ़ी, तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या क्या डाला है, तो ये मसाले डाले हैं, प्याज डाल दिए कट करके, जीरा, हींग तो बहुत ही मस्त होती है और बहुत ही अच्छी ये कढ़ी लगती है। और जो मैंने मसाले तैयार किए थे उसका ही थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें पेस्ट भी, तो मैं मतलब साथ में खाना भी बना रही हूँ सफाई के साथ। नहीं तो क्या होता है ना कि बच्चों का रूटीन ना ख़राब हो, उन्हें टाइम टाइम से सब कुछ मिलता रहे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने चने की दाल में मसाले जो मिक्स किए, जैसे कि जीरा, नमक, और मैंने क्या डाला था, हींग, मुझे तो भूल गई मैं। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, लहसुन मिर्चा है, अदरक है, और जीरा डाला हुआ है इसमें, प्याज है, तो उसका पेस्ट भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कि थोड़ा सा मतलब तीखा भी टेस्ट में पकौड़ी में टेस्ट आ जाएगा। और मैं बताती हूँ कि कैसे मैं कढ़ी बना रही हूँ, दिखाती हूँ। और मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज पूरी फर्श को मैंने चमका दिया बिल्कुल घिस घिस कर, तो उसके साथ ही मतलब घर के भी काम करने ही पड़ते हैं हमें, तो यहाँ पे फिर मैंने सुबह सुबह नहाने से पहले ही वो काम कर लिया था। और इसके बाद मैं नहा के आई, पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ किचन में जुड़ गई खाने में, फिर भी खाना बना लूँगी। तो कढ़ी बनने मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मसाले मैंने भिगा दिए हैं, जो सब्जी के मसाले थे वो भिगा दिए हैं, और ये जो पेस्ट है ये अभी मैं सब मसाले डालूंगी इसमें, पहले पकौड़ियाँ निकाल लूँ पूरी।
यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लिया था, और जैसे आपने देखा कि मैंने मेथी का तड़का लगाया, मसाले डाले और अच्छे से भून कर उसमें रसा लगाने के बाद जब रसा अच्छे से पक गया तब मैंने पकौड़ी डाली और उसको धीमी आंच पर पकने देंगे। और ये मतलब कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। और उसके बाद मैं ये शाम को मिल रही हूँ आपसे, तो यहाँ पे धूप चली गई थी तो मैं सोची सारे पिलो वगैरह सब अंदर कर देती हूँ और इसमें कवर लगा के रख देती हूँ। तो ये पिलो मैंने सब अंदर कर लिए हैं और मतलब धुल दो तो कवर लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और शाम का मतलब ये शाम का समय है तो हमारी चाय वाय हो चुकी थी, हम लोगों ने चाय पी ली थी। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जी बच्चे मिलकर चढ़ा रहे हैं कबर, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि काम हो जा रहा है घर का, और अपने को भी थोड़ा मतलब अच्छा फीलिंग आता है कि सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं काम में। आराम से छोड़ो जान, छोड़ दो फाइनली काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे पिलोज बच्चों ने और पप्पा ने मिलके चढ़ा दिए हैं, पप्पा ने मतलब हस्बैंड जी ने, और यहाँ गद्दे का कवर भी चढ़ गया है तो देख सकते हैं कितना साफ लग रहा है। और मैंने इस पे दो कवर चढ़ाए हैं, जैसे कि ये डबल बेड की चादर थी ना उसका एक है, और ये सिंगल बेड की दो चादरें थी तो उसको मैंने दोनों करके चढ़ा दिया है। तो गद्दा बहुत ही साफ रहता है और काफ़ी भी मतलब पुराना गद्दा है, बट अभी भी अगर कवर निकालते हैं ना तो बिल्कुल नया ही दिखता है। और बाकी मेरी पूरी क्लीनिंग का भी काम हो गया है, तो जैसा कि मैंने सोच के रखा था कि मुझे धनतेरस से पहले अपनी क्लीनिंग साफ पूरी खत्म करनी है। तो फ्रेंड्स मेरी दीपावली की बड़ी वाली सफाई जो है वो पूरी हो गई और पूरा घर क्लीन हो गया, मैंने एक एक कोना कोना साफ कर दिया। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि धनतेरस से मेरी पहले मेरी सफाई पूरी हो गई, क्योंकि धनतेरस से ही हमारी दीपावली की शुरुआत हो जाती है और घर मतलब साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मेरे चैनल पर आप लोगों को मतलब मार्केटिंग मैंने क्या क्या लाई वो सारे वीडियोज़ देखने को मिलने वाले हैं।